Kalpak Jain. Today I am going to represent a very unique technique to produce a gas which seems to be helpful in our Indian science to the our Indian scientist. So let's know what's about this gas. So first of all, the name of this gas is Keropetro gas, which is mixture of three elements, or we can say that they are only fuels. So first fuel is carbon. Mixture of carbon comes to known as petrol. Second is kerosene, and third is water. So these all three are fuels. By the mixture of vapors of these three elements, a gas is formed, come to known as Keropetro gas. तो इस गैस के कारण इस गैस को अपन एलपीजी गैस की जगह घर पर यूज कर सकते हैं, और इस गैस को अपन कार में भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. सो ये गैस केट्रोल, पेट्रोल, केरोसिन और वाटर से फॉर्म हो रही है, जिसको अपन स्टोर भी कर सकते हैं. अगर इसको स्टोर किया तो जब अपन अपने पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, मतलब जो कंप्रेसर है वो जैसे वेपर को प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई और कंप्रेसर नहीं चला, तो इस गैस को स्टोर किया है वो भी अपन यूज कर सकते हैं. जो इसके बेनिफिट्स की बात करें, अगर अपन तो एलपीजी गैस को इससे कंपेयर करें, तो एलपीजी गैस है उसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, और वो सिलेंडर एक सिलेंडर वन मंथ तक चलता है, और इसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म गैस है. अपन ये कह सकते हैं ये 1 लीटर पेट्रोल एंड 1 लीटर केरोसिन कैन रन अप टू 6 मंथ्स, तो ये इतने तक चल सकता है. लेट्स नो इट्स वर्किंग. सो व्हेन वी ऑन द कंप्रेसर, गैस इसको अपन गवर्नमेंट के लिए एक बढ़िया स्कीम है. जैसे इसका अगर बिग प्लांट सिटी में एस्टैब्लिश कर दिया जाए, तो इसके कारण जो पाइपलाइन है वो कनेक्टिविटी है, उस गैस को स्टोर करके अपन गांव में पहुंचा सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ी स्कीम है, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी बहुत ये यूजफुल है पाइपलाइन से, और जो बिल है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं अपन. तो ये गैस बहुत यूजफुल है, इसको अपन टैंक्स में स्टोर करके भी बेच सकते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत यूजफुल स्कीम है. Let's know about second model. My topic is resources management, जिसमें मैंने क्या बताया कि सारे resources को कैसे manage किया जाए, modern resources of India. तो मैंने second model भी बनाया है, जो मेरा second model है steam power का. मैंने इसी गैस का उपयोग कर ये boiler रखा है इसके ऊपर, जिसमें waste material को अपन burn कर सकते हैं, जिससे कोई ये boiler air pack है जिसमें गैस material waste material को अपन यू burn कर सकते हैं, जिससे steam उत्पन्न होगी. स्टीम जब निकलेगी तो फैन पे गिरेगी, और फैन जब रोटेट होगा तब ये क्या है डायनेमो चलेगा, और डायनेमो से क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी रन होगी. एज यू कैन सी जैसे स्टीम चलेगी, डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी रन होगी. लेट्स नो आवर माय थर्ड मॉडल. थर्ड मॉडल इज विंड मिल कनेक्टेड विद अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो ऐसे अपन नॉर्मल देखते हैं, जो विंड मिल का जो काम है वो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना. इसमें जो विंड मिल का काम है वो दो तरह से काम कर रही है. विंड मिल एक तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर ही रही है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर को भी स्टोर कर रही है, और उसका यूटिलाइज कर रही है अच्छे तरीके से. इसका यूटिलाइज इरीगेशन में भी हो रहा है, और इसका यूटिलाइज गैस जो अपने वाटर टैंक होता है गाँव में उसमें भी हो सकता है. ये माउंटेन एरियाज में बहुत यूजफुल है. जैसे ये विंड मिल रोटेट होगी तो ये हेडपम्प है वो हिलेगा, ये हेडपम्प अपना वर्क करेगा, और जैसे वाटर है वो उसके पास टैंक के पास पहुंचा सकता है, और इरीगेट में भी ये काम कर सकता है. अब इसको अपन रिवर्स प्रोसेस में देखा जाए इसको रिवर्स प्रोसेस में, तो जैसे अपन नॉर्मल यूज़ के लिए हेडपम्प हिलाते हैं, तो हेडपम्प हिलाने से जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये विंड मिल घूमेगी, तो विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. तो नॉर्मली हेडपम्प से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. लेट्स नो अबाउट माई फोर्थ मॉडल. माई फोर्थ मॉडल इज वाटर गार्बेज क्लीनिंग बोट. आई हैव मॉडिफाइड अ बोट इन विच आई हैव एडेड द कन्वेयर बेल्ट बाई विच वी कैन क्लीन ऑल द गार्बेज ऑफ द वाटर सिस्टम वाटर बॉडीज. सो इसमें अपन ये कन्वेयर बेल्ट के कॉन्टेक्ट में जब वेस्ट आएगा, तो ये वेस्ट इधर कलेक्ट हो जाएगा, और वेस्ट कलेक्ट हो जाएगा तो ये जो पूरी वाटर बॉडीज है जैसे पॉन्ड्स है, सीज है, ओशियंस है, उसका जो वेस्ट है वो इधर कलेक्ट हो जाएगा. तो इसके कारण अपन जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक्स जो वाटर में, और सॉलिड वेस्ट जो है वो अपन कलेक्ट कर सकते हैं. और ये व्हील जो चलेंगे तो इससे अपन कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सोलर प्लांट है जिससे ये बोट पूरी रन कर सकती है. तो ये पूरी फुली मॉडिफाइड है विदाउट एनी फ्यूल्स. फ्यूल की ज़रूरत हो तो इसको अपन सोलर प्लांट से भी यूज़ कर सकते हैं. माई लास्ट एंड फिफ्थ मॉडल इज़
पेल्टायर मॉड्यूल। पेल्टायर मॉड्यूल सिर्फ एक इफेक्ट से काम करता है जिससे अपन लोट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बार में जनरेट कर सकते हैं। इसको अपन फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में यूज करते हैं जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इसमें क्या है कि दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के मॉड्यूल है वो लगे हुए, सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। सीबेक इफेक्ट के कारण जब इसमें एक साइड कोल्ड टेम्परेचर और एक साइड हॉट टेम्परेचर होगा तो इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग मी।